तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजपुरा में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है, ये राजपुरा से बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फसल खरीद नहीं होने पर किसानों ने प्रदर्शन किया है और राजपुरा हाईवे पर किसानों ने जाम किया है। तो किसानों की तरफ से ही प्रदर्शन किया गया है, फसल खरीद नहीं होने के चलते किसान नाराज है। लगातार किसानों का कहना है कि फसल खरीद की प्रक्रिया में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिससे खफा होकर किसानों ने राजपुरा में प्रदर्शन किया, हाईवे के पास जाम लगाया है और किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो आज के दिन, बैसाखी वाले दिन, किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अपने आप में आज का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है, खासतौर पर किसानों के लिए, और आज भी कुछ किसान जो है नाराज दिखाई दे रहे हैं राजपुरा में, जिसको लेकर किसानों ने नाराजगी जाहिर की है, प्रदर्शन किया है। दरअसल फसल की खरीद नहीं होने के चलते जो प्रक्रिया है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, क्योंकि सीधी अदायगी का मामला जो है एक ओर जहां तूल पकड़ता जा रहा है और दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, ये भी कहना है किसानों का। तो मामला जो है, पेच जो है, कई जगहों पर फंसा हुआ है और इसी के चलते राजपुरा हाईवे में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, नाराजगी जाहिर की है और फसल खरीद ना होने पर किसानों ने ये प्रदर्शन किया है। तो किसानों की फसल जो है पककर तैयार हो चुकी है। 10 तारीख से जो है, दरअसल पंजाब सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि फसल की खरीद की जाएगी, लेकिन अभी तक प्रदेश के कुछ जगहों पर फसल की खरीदारी नहीं की जा रही है और पेच जो है कई जगहों पर फंसा हुआ है। सीधी अदायगी का मामला भी जो है एक और फंसा हुआ है। तो दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से मंडी में इंतजाम नहीं किए गए हैं, ये भी दावा किया जा रहा है और जिसको लेकर आज खफा होकर किसानों ने प्रदर्शन किया है राजपुरा हाईवे पर। ये धरना प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया गया। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजपुरा से दया सिंह लाइव जुड़े हैं। दया, किन वजहों से, क्या वजह है कि किसान जो है प्रदर्शन कर रहे, वो भी आज के दिन, बैसाखी वाले दिन, क्योंकि आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है किसानों के लिए। जी दीपका, असी इस समय राजपुरा पटियाला रोड से खड़े हैं। तुम देख सकते हो कि वड्डा काफला जिहड़ा पिछे गड्डियां दा जाम लग चुका और किसानों की मंगा ने कि पिछले 10 तरीक तो जिहड़ी सरकारी खरीद शुरू हुई सी उस तो बाद भी किसान जिहड़े लगातार मंडियां दे विच बैठे ने, उन्हां दी फसल की जिहड़ी खरीद नहीं हो रही और बारदाने की प्रॉब्लम है। इसी रोस वजों अज 2-3 दिन तो बाद जिहड़ा उन्होंने रोक के अज इत्थे रोस प्रदर्शन किया और जिहड़ा पटियाला राजपुरे हाईवे इत्थे उन्होंने जाम कर दिता है। किसानों वल्लों गलबात करनी चाहवांगे क्योंकि कितने ना कितने अज खुशियां भरा माहौल सी किसानों के मनों में। अज का दिन खुशी होंदी है कि वह अपनी फसल मंडिया के वेच के अपने घर जाते हैं, पर कितने ना कितने उन्होंने अज इस गल लैके रोस है, उन्होंने गल करनी चाहवांगे की कारण है जी, क्यों अज तुसीं रोस प्रदर्शन कर रहे हो? मेरा नाम जसवीर सिंह, मेरा पिंड उगसी सैणिया है। असी 8 तरीक न कणक जी बढ़ाई सी, सरकार का ऑर्डर से भी 10 तरीक न असी कणक चकांगे, 10 तरीक न कणक लेकर अपनी मंडी आ गए। उत्थे जब असी 8-3 नूं कहिंदे वी साडी कणक भरा आया झारा ला, वह कहिंदा मैं की करा, मेरे कोल सरकार ने बारदाने नहीं भेजिया। असी कि तरह मंडी विच बहुत बुरा हाल आ, सानू 10 तरीक तो अज 13 तरीक हो गई, जब उत्थे साडे रातां नूं मच्छर लड़दा है, असी अपनियां कणकां छड्ड के घरां नूं वी भज जांदे आ, कुछ जिमीदार उत्थे रहिंदे आ, कुछ साडे डंगर कणकां खा जांदे आ, कुछ चोरी हो जांदी आ, सानू बहुत भारी जिहड़ी आ प्रॉब्लम आ रही आ, साडा कोई सरकार वल्लों कोई हल नहीं हैगा। कितने कितने गल्ल नूं देखदे हो वी कितने खुशियां भरा माहौल हुंदा किसानां लई, अज किसान जिहड़े फसल अपनी 6 महीने दी पुत्तां वांगू पाली फसल मंडियां च वेच के आउंदे ने और फिर अज ओह किसान पिछले 4 महीने तो उत्थे दिल्ली धरने ते बैठा और इत्थे वी किसान अंदोलन वांगू तुसीं अज रोस प्रदर्शन कर रहे हो, की चाहुंदे हो इस बारे? देखो जी, इह जिहड़ी कैप्टन सरकार दी जिम्मेदारी है, इह बारदाने दी जिम्मेदारी कैप्टन सरकार दी है, इह नहीं मंडी पहुंचा रही हैगी। साडे किसान दिल्ली वी रुल रहे ने, इत्थे वी रुलदे पए ने सड़कां ते, खेतों भी रुलते पे ने, जनानियां साडियां खेतों खाद आप पा रही ने, पानी आप ला रहे ट्यूबवैलों से, साडे किसान दिल्ली बैठे ने, 7 महीने तो धरना ला गए, 2.5 महीने तो इतने बैठे रहे, तो 4 महीने उत्थे हो गए बैठे, उन्होंने कोई मोदी मसला हल नहीं कर रहा, काले कानून का कोई उन्होंने काम तो जूनी सरकारी पर क्या जू गैस कराई, क्या जूँ पै गई है मोदी का, जूँ गैस 21 सकराई है। तो किस तरह देख दो कि भारत भूषण आए थे, सरकारी खरीद शुरू करवा के गए सन, कैबिनेट मंत्री उन्होंने गल कही थी भी किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी, किवें लगता है? वो हरेक तरह का ड्रामा करके गए जी, किसानों को दिखा के गए भी असीं चकेंगे, एक एक दाना चकेंगे, तुसी देख रहे हो जाके मंडी च पैरां नूं जगह नहीं है, ट्रेलियां खड़ियां पर है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। एक और जहां पंजाब सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि किसानों के फसल का जो है एक एक दाना हम खरीदने के लिए तैयार, दूसरी ओर जो है इस तरह की